पत्रकारिता जगत के पुरोधा इंद्रजीत भदवार मीडिया में बड़ा नाम है। देश विदेश में कई बार वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार वो भारत की ओर से दुनिया के प्रमुख साहित्य महोत्सव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। APN के सलाहकार और सहयोगी इंडिया लीगल के एडिटर इन चीफ इंद्रजीत भदवार इस बार प्राग राइटर्स फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। APN से जुड़ने से पहले इंद्रजीत भदवार देश के नामी गिरामी न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं। इस मौके पर भदवार कहते हैं कि प्राग राइटर्स फेस्टिवल में आमंत्रण मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। पिछले 15 सालों से यहाँ पर दुनिया के जो सबसे मशहूर लेखक, कवि और पत्रकार लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। चंद दिन ही पहले मुझे पता चला कि मुझे एक न्योता आया कि मुझे प्राग राइटर्स फेस्टिवल में शामिल किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इंडिया से इस अवसर में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। प्राग राइटर्स फेस्टिवल में इससे पहले भारतीय मूल की कई नामचीन हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। सलमान रुश्दी और अरुंधति राय के अलावा हैरल्ड पिंटर, विलियम स्टेरन, नदीन गोर्डिमर जैसे दिग्गज इस फेस्टिवल का हिस्सा बन चुके हैं। इस साल फेस्टिवल की थीम द फायर नेक्स्ट टाइम है, जो अमेरिकी लेखक जेम्स बॉल्डविन की कृति का शीर्षक भी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भदवार को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर सम्मान के लिए भी वो नामित हो चुके हैं। भदवार का पुलित्जर के लिए नामांकन अमेरिका में जैक एंडरसन की इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ काम करने के दौरान हुआ था। एक सफल पत्रकार के साथ साथ इंद्रजीत भदवार लेखक भी हैं। उन्हें अपनी पहली किताब चेम्बर ऑफ परफ्यूम्स के लिए फ्रांस का शीर्ष, प्रिक्स लिटरेयर का सर्वश्रेष्ठ विदेशी पदार्पण उपन्यास श्रेणी का पुरस्कार मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।